देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आपको दिख रहा होगा कि बेहद ज्यादा भीड़ जो है मेरे चारों तरफ देखने को मिल रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा भीड़ आज यहां नागौरी गेट के ऊपर उमड़ पाई है और क्यों जो है रोबजा डाल करके सभी की प्यास बुझाई जा रही है। अभी अभी हमने पी लिया। आपको बता देते आज जो है गुरु सिंह सभा हिसार के गुरुद्वारे के अंदर भारी भीड़ इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि शहीदों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी दिवस है। इसी के उपलक्ष के अंदर गुरुद्वारे के अंदर आज ये सभी इकट्ठा हुए और प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है, छोले का प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है। इसके अलावा जो है लोगों की प्यास बुझाने के लिए रोबजा जो है वो पानी के अंदर मिला करके दिया जा रहा है और इसकी शायद कोई क्वांटिटी नहीं होती है। ये कब से शुरू हुआ, कितने बजे से, वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है ये सेवा करते हुए सेवेदार मौजूद है। कितने बजे से आप ये पानी पिला रहे हैं? 10 बजे सुबह। 10 बजे से शाम को कितने बजे तक चलेगा? 5 बजे तक 5 बजे तक चलेगा। तो इसकी कोई क्वांटिटी होती है या फिर जितने लोग आते हैं सबको पिलाते हैं? क्वांटिटी कोई नहीं होती, ये जितने भी लोग आएंगे पानी पी लेंगे। और ये जो सेवादार आप लोग होते हैं ये आप लोग सिर्फ नहीं, कोई मतलब ये नहीं होता, कोई स्पेशल सेवादार होता है, कोई भी आके सेवा कर सकता है। कोई भी आके सेवा कर सकता है। तो एक दिन पहले ये सारी की सारी तैयारियां होनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल। तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन नाम करवाना पड़ता है या फिर अपने आप आकर के सेवा कर सकते हैं? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, कोई भी आके सेवा कर सकता है। कोई मोल नहीं है जी, सेवा जब चाहे तभी कर लो, जब चाहे जब तक गुरु सेवा लेता रहेगा तब तक लेते हम करते रहेंगे। ठीक है, आज और कुछ क्या किया जा रहा है अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर? शहीदी दिहाड़े विच शब्द कीर्तन का पाठ चल रहा है और गुरु की सेवा चल रही है क्योंकि गुरु जी को तत्ती तवी बिठाया गया सीगा उ, इसलिए ठंडे पानी छबीला बिछाई गई है जी। अच्छा। हाँ जी। और खाने के अंदर आज क्या है? खाने के अंदर गुरु का लंगर है जी, प्रसाद है जी, लंगर है। और जो यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है वो छोले का प्रसाद है। लंगर है, सब कुछ लंगर है, प्रसाद है ही है जी। ठीक है भाई, आपको बता देते हैं मुझे खास तौर के ऊपर पर्सनली जो है ये सिखों का त्यौहार और जिस तरीके से ये लोग सेवा करते हैं बहुत अच्छा लगता है, दिल को संतुष्टि मिलती है क्योंकि कोई भी आए चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो हर किसी के लिए यहाँ पर प्रसाद रखा जाता है, छोटे से लेकर के बड़े तक हर कोई सेवा करता है। और अंदर जो है श्री अर्जुन देव जी का पाठ चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आज किस वजह से यहाँ पर आए हैं। आंटी जी कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। आज क्या क्या किया अंदर आपने? आप शहीदी दिवस मना रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी का, तो उसी के लिए फिर सारे संगत इकट्ठी होती है। अच्छा, तो अर्जुन देव जी का हर साल आप लोग शहीदी दिवस ऐसे ही मनाते हैं? ऐसे ही मनता है सारे। और आप अपने घर के अंदर भी कुछ अलग करते हैं या फिर यहाँ गुरुद्वारे के अंदर आके हम चीनी वगैरह जो कुछ भी है जो चढ़ाना होता है? अच्छा, चढ़ावा भी चढ़ा करके जाते हैं? हाँ, जो श्रद्धा से वही देते हैं वही संगत को पिलाते हैं। अच्छा। दूध वगैरह जो कुछ भी अच्छी। तो क्या कुछ अलग भी किया जाता है अर्जुन देव जी के? नहीं, ये जैसे छोले हैं जैसे बांट रहे हैं, ये छोले का प्रसाद लंगर वगैरह सब चलता है। लंगर जो है बिल्कुल सामने की तरफ चल रहा है, सब चल रहा है। और आपको बता देते हैं बस यही नहीं, मुझे ये बताइए अगर सभी धर्मों की बात की जाएगी तो सभी धर्म बराबर है, लेकिन सिखों के अंदर ये सेवा करने का जो धर्म है ना सच में बहुत अच्छा लगता है। वो आप गुरु की बख्शिश होती है ये सब। तो आपको बता देते हैं कि भाई आज सिर्फ यहाँ पर लंगर ही नहीं लगाया गया है बल्कि अंदर की तरफ जो है पाठ भी चल रहा है और आप लोग सभी देख सकते हैं कि पाठ के अंदर बेहद ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है, भीड़ बेहद ज्यादा है और मन को संतुष्टि देने के लिए सभी यहाँ पर आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाबी या सिख धर्म के लोग ही गुरुद्वारे के अंदर आते हैं बल्कि अलग अलग लोग भी यहाँ पर आते हैं ताकि अपने बच्चों को हर धर्म से रूबरू करवा सके। इसके अलावा आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और मेडिकल कैंप बिल्कुल सामने लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी डेंटल चेकअप कैंप लगा हुआ है संजीवनी हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर सीमा पाहवा यहाँ पर पहुँच चुकी है और फ्री के अंदर दवाइयाँ मिल रही है। सर आज फ्री के अंदर दवाइयाँ दे रहे हैं? दवाइयाँ फ्री के अंदर है आज? दवाइयाँ उधर सामने दीवान हाल में है जी। अभी तक जोड़े की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जूतों की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर वहाँ पर ले जाते हैं और लंगर की तस्वीरें दिखाते हैं, साथ ही साथ जो है डेंटल कैंप की भी तस्वीरें दिखाते हैं। Oh,
अंदर नहीं जा रही। गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने एक कैंप भी लगा हुआ है, डेंटल और आई कैंप दोनों लगे हुए हैं जहां पर फ्री सेवा की जा रही है। तो संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर सीमा पाहवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह से अब तक कितने लोग जो है यहां पर आ चुके हैं। मैम कितने लोग अभी तक यहां पर आए हैं? अराउंड 100 लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हैं या फिर खुद आपका हॉस्पिटल है? मेरा ही हॉस्पिटल है और मैं वहाँ पर काम भी कर रही हूँ। अभी तक जो लोग आए हैं लगभग क्या समस्याएँ रही हैं? ज़्यादातर लोगों को पाइलिया है, लोगों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और दांतों में से खून आने की समस्या है उन लोगों को, और कुछ लोगों के दांत फ्रैक्चर हुए हुए हैं चोट लगने की वजह से। अच्छा, तो अगर दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयाँ सारी फ्री मिल रही हैं या फिर उनके पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी तरह की कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से दवाइयाँ, माउथ वॉशेस वगैरह फ्री दे रहे हैं, टूथपेस्ट वगैरह भी हैं। तो गुरुद्वारा सभा की तरफ से आप लोगों को इन्विटेशन था या आपने खुद अपनी तरफ से यहाँ कैंप लगाया है? नहीं, हमने अपनी तरफ से अप्रोच किया था गुरुद्वारा को कि वी वुड लाइक टू डू दिस, क्योंकि हमारा बहुत मन था यहाँ पे आके सेवा करने का। ठीक है, लोगों की बात करूँ तो कितनी संतुष्टि लोगों को थी आज? ये तो आपको लोग बता सकते हैं, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, अगर सर्जरी की बात करूँ तो क्या उसके अंदर भी कोई परसेंटेज रखी गई है डिस्काउंट की या फिर? जी हाँ, वी आर गिविंग अ वेरी गुड डिस्काउंट। जो भी गुरुद्वारे की तरफ से आएंगे तो गुरुद्वारे के प्रबंधक ने हमें अप्रोच किया था कि कुछ लोगों को तो वो बिल्कुल ही फ्री करवाना चाहेंगे और उनकी कोई कमेटी है जो कि वो पे करेगी और बाकी लोगों को हम अपनी तरफ से डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो आई कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है तो डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आज किस किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पर आए हैं और कैसे कैसे पेशेंट्स जो है अपनी समस्या यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आई ड्रॉप की जो है फ्री लंगर सेवा यहाँ दी जा रही है और पेशेंट्स जो है अभी दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि पेशेंट्स की संख्या की अगर बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है यहाँ जो है आई कैंप और डेंटल कैंप के अंदर आए हैं। तो इनसे पूछने की भी कोशिश करेंगे कि भाई आज इनको पता कैसे चला, आपको पता कैसे चला आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? नहीं पता, हम अभी आए हैं, हमें अभी पता लगा। अच्छा अच्छा, अभी अभी पता लगा है, वैसे मत्था टेकने के लिए आए थे तभी पता लगा है। तो डॉक्टर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे। के लिए एक तो चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, पानी बार बार लेना चाहिए। नींबू यदि हजम होता है तो 1 से 2 नींबू पर डे लेने चाहिए। हाँ जी, चाय बहुत कम ही पीनी अभी कब। तो आप लोग देख सकते हैं कि गुरुद्वारा सभा के सामने जो है आयुर्वेद की डॉक्टर भी बैठे हैं जहाँ पर परमानेंट इलाज के लिए कैंप लगाया गया है। पुराना माइग्रेन हो, पुराना नज़ला हो, नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, पुराना जो है साइरस हो या फिर किडनी फेलर हो, लंग्स फेलर हो और हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो, बार बार जो है पखाना जाना पड़े या फिर IBS हो या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए भी मसा हो, बच्चों के श्वास रोग की समस्या हो, पैरालिसिस हो, तो उसका भी परमानेंट इलाज जो है आज यहाँ पर किया जा रहा है कैंप के अंदर। सीधा लाइव तस्वीरें आज मैं आपको गुरुद्वारा सिंह सभा के बिल्कुल सामने से दिखा रही हूँ जहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। सेवा के साथ साथ जो है फिजिकल सेवा भी यहाँ पर करने को मिल रही है। आयुर्वेद के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर जगजीत मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, कहा जाता है कि आयुर्वेद के अंदर पक्का इलाज तो है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखो, जहाँ तक छोड़ दो कोई बात, जहाँ तक समय की बात है, अब देखो किसी को इन केस ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सारी उम्र चलती हैं, तो क्या वहाँ पे इलाज है उस चीज़ का? जो दवाई एक सारी उम्र चलती है इसका मतलब वहाँ भी इलाज नहीं है। आयुर्वेद में वही चीज़ कुछ समय के लिए हम कर लेते हैं, पथ्य अपथ्य का ख्याल रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, यदि उस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो कोई भी बीमारी है वो निसंदेह दूर होती है। अब तक कितने पेशेंट आपसे इलाज लेने के लिए यहाँ आ चुके हैं? यहाँ गुरुद्वारे में आज की बात करें तो तकरीबन 40-50 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं। हम लोग अभी फ्री सेवा दे रही है आई ड्रॉप की, और अभी और भी समय पड़ा है तो जितना समय भी है आज हमने निकाला है गुरुद्वारे की सेवा के लिए।
ठीक है, तो कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर है जिन्होंने परामर्श लिया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संतुष्ट है अंकल जी? संतुष्ट है आप? परामर्श कैसा मिला? हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ आई ड्रॉप फ्री सर्विस दी जा रही है, तो कम में मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये पहले भी ऐसी मैंने डाली थी तो उसका भी रिजल्ट मिला था कुछ। हाँ, और अब भी मैं इनसे लेकर के डालूंगा। तो पहले भी इन्होंने लगाया था कैंप? हाँ, तो अब भी लगा रहे हैं। मैं इनके कई कई बार हॉस्पिटल में मिलता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि लगभग 2 बजे तक ये कैंप यहाँ पर चलने वाला है। अगर आप लोग भी यहाँ फ्री के अंदर अपना कुछ भी दिखाने के लिए आना चाहते हैं, हेल्थ इश्यू से कोई भी रिलेटेड चीज़ है वो दिखाने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं शहीद गुरु अर्जुन देव जी की आज यहाँ पर जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य के अंदर फ्री कैंप लगाया गया है। तो आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।